आईफोन या फिर एंड्रॉइड, इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में हमेशा डिबेट रही है कि इन दोनों स्मार्टफोन्स में से कौन सा है बेटर और अच्छे फीचर्स वाला स्मार्टफोन। तो अगर हम iOS की बात करें तो iOS में कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो हमें एंड्रॉइड में नहीं मिलते, एंड्रॉइड में कुछ ऐसे फीचर्स है जो हमें आईफोन में देखने को नहीं मिलते। तो आज की इस वीडियो में हम सारी कैटेगरीज को बात करेंगे, सारे पर्सपेक्टिव्स को देखते बात करेंगे कि कौन सा स्मार्टफोन कौन सी कैटेगरी में बेटर है, कैमरा में कौन सा बेटर है, प्राइस की बात करेंगे, इकोसिस्टम की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट्स की भी बात करेंगे। हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वी ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सा स्मार्टफोन है द असली। कस्टमाइजेशन की बात करें तो एंड्रॉइड में कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हमें काफी टाइम से ही देखने को मिल जाते हैं। अब कस्टमाइजेशन में कैसी चीजें आती है, फॉर एग्जांपल आपको अपना वॉलपेपर सेट करना है, आप अपने वॉलपेपर के टेक्स्ट को चेंज करना है, फॉन्ट को चेंज करना है, उसके कलर को चेंज करना है। अब मैं इसको ऐसा क्यों कह रहा हूं कि एंड्रॉइड में बहुत पहले से आ चुके हैं, क्योंकि जब फर्स्ट आईफोन लॉन्च हुआ था तो आईफोन में आप अपना वॉलपेपर तक भी नहीं चेंज कर सकते थे। यस, अब आईफोन ने अपने अंदर काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस अब ऐड करने शुरू कर दिए हैं फ्रॉम iOS 14, 15, 16 एंड 17 में भी हमें काफी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एंड हर एप्पल इवेंट में हमें काफी सारे ऐसे एप्पल फीचर्स अनाउंस करता है रिगार्डिंग जस्ट कस्टमाइजेशन, बट एंड्रॉइड में फिर भी हमें कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बहुत बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ पर अपने कंट्रोल सेंटर के बटन्स को चेंज कर सकते हैं जो आप आईफोन में नहीं कर सकते, आप एंड्रॉइड के अंदर अपने आइकन साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, उनके थीम्स को चेंज कर सकते हैं जो आप आईफोन में नहीं कर सकते। तो एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन में आप कस्टमाइजेशन के काफी ऑप्शन मिल जाते हैं, आप अपने स्मार्टफोन को बिल्कुल वैसा बना सकते हैं जैसा आपको पसंद है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है। तो अगर हम कस्टमाइजेशन की बात करें तो इस चीज में मैं अपना पॉइंट दूंगा एंड्रॉइड। तो अब अगर हम बात करें कैमरा की इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में, एंड यही टॉपिक सबसे ज्यादा डिबेटेड रहता है कि किसका स्मार्टफोन कैमरा अच्छा है, ये आईफोन का अच्छा है या फिर एंड्रॉइड का अच्छा है। अब आईफोन का चलो कैमरा है ही, बट एंड्रॉइड में हमें काफी सारी कंपनीज मिल जाती हैं एंड उसका भी कैमरा कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। बट यहां पर मैं सैमसंग को लेकर चलूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से एंड्रॉइड में बेस्ट कैमरा सैमसंग के ही है। तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो वीडियोस के लिए अच्छा स्मार्टफोन रहता है आईफोन, लेकिन अगर आपको अच्छी फोटोज खींचनी है देन मैं उसके लिए आपको रेकमेंड करूंगा एक सैमसंग का स्मार्टफोन। बट दोनों ही स्मार्टफोन्स ही काफी इक्वली अच्छे हैं अगर हम कैमरा की बात करें। ये कैमरा की डिबेट तो चलती ही रहेगी, लेकिन अगर मेरे को एक ऐसा स्मार्टफोन चूज करना हो जिसकी हेल्प से मेरे को बहुत ही जल्दी एंड क्विकली एक फोटो खींचनी हो, देन इट वुड बी श्योरली एन आईफोन। कि आईफोन में बहुत ही जल्दी रहता है, यू जस्ट ओपन योर कैमरा एंड क्लिक योर फोटो। बट एंड्रॉइड में जब एक फोटो खींचती है तो वो प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लेता है, बट आईफोन में फोटो क्लिक करना काफी एक फास्ट प्रोसेस है। तो इसलिए मैं चूज करूंगा एक आईफोन के कैमरा को। बट गाइस, एंड्रॉइड में आपको एक और ऑप्शन मिलता है जो कि है 8K वीडियो रिकॉर्डिंग। तो गाइस, सैमसंग में आपको 8K तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन मिलता है जो आपको अभी आईफोन में देखने को नहीं मिलता। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं, लाइक अगर आप एंड्रॉइड के कैमरा में देखेंगे उसके अंदर आपको काफी सारे और मोड्स मिल जाते हैं। लाइक सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर आपको डायरेक्टर्स मोड मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप फ्रंट और बैक कैमरा दोनों को यूज करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाइट मोड मिल जाता है, नाइट मोड आपको आईफोन में भी मिल जाता है। प्लस अगर आपको किसी फास्ट एक्शन वाली फोटो खींचनी हो तो उसके लिए काफी पर्टिकुलर मोड है। अगर आप गूगल पिक्सल की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से कितने और अच्छे फीचर्स ऐड करे गए हैं एक एंड्रॉइड के कैमरा स्मार्टफोन में। तो ये सारी चीजें हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए, लाइक अगर आपको श्योर होना है कि हाँ दिस कैमरा इज बेस्ट फॉर मी एंड ये कैमरा मेरे को कभी भी हेल्प कर सकता है इन एन इमरजेंसी सिचुएशन या फिर इन अ सडन सिचुएशन अगर आपको एक फोटो क्लिक करनी है, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर एन आईफोन। द नेक्स्ट थिंग दैट पीपल टॉक अबाउट द मोस्ट आर फीचर्स। तो गाइस, फीचर्स का हम कुछ ऐसे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है अगर हम फीचर्स की बात करें, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन्स में अब जितने फीचर्स आते हैं वो एक स्मार्टफोन को कंप्लीट बनाते हैं। यस, थोड़ा टाइम पहले तक हम कह सकते थे कि आईफोन में काफी सारे कुछ मेन ऐसे फीचर्स थे जो मिसिंग थे, जो एक स्मार्टफोन को कंप्लीट बनाते थे, वो उसमें होने चाहिए थे। बट अब आईफोन में भी हमें सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो मेन बेसिक फीचर्स होते हैं जो एक स्मार्टफोन को कंप्लीट बनाते हैं वो हमें आईफोन में देखने को मिल जाते हैं, एंड एंड्रॉइड में तो पहले से थे ही। बट अगर यहाँ पर फिर भी अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो आई गेस एंड्रॉइड में हमें ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि एंड्रॉइड हमेशा टेस्ट करता रहता है, ट्राई करता रहता है न्यू फीचर्स को। एंड्रॉइड के अंदर वो रिस्क टेकिंग फैक्टर है टू इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स। बट अगर हम यहीं पर आईफोन की बात करें तो आईफोन में कितने टाइम बाद हमें सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे अगर हम फिंगरप्रिंट की बात करें तो वो आईफोन में कितने टाइम बाद आया था, अगर हम फेस अनलॉक की बात करें तो वो भी इसमें कितने टाइम बाद आया था। एंड्रॉइड ने अपने स्मार्टफोन्स में से नॉच कितनी जल्दी रिमूव कर दी थी, बेजल्स बिल्कुल हटा दिए थे, बट आईफोन में अभी भी हमें नॉच देखने को मिल जाती है, वो तो हमें
हमें लास्ट 14 सीरीज में देखने को मिला कि हमें वहां पर डायनेमिक आइलैंड इंट्रोड्यूस करा गया, पर डायनेमिक आइलैंड भी साइज में काफी बड़ा है। तो आईफोन न्यू फीचर्स को अडॉप्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लेता है, बट एंड्रॉइड नए फीचर्स को जल्दी जल्दी लाता रहता है, उसके अंदर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है टू इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स। तो ये है डिफरेंशिएटिंग फैक्टर अगर हम फीचर्स की बात करें एंड्रॉइड और आईफोन। गाइस सॉफ्टवेयर अपडेट्स के केस में तो एप्पल हमेशा ही काफी आगे रहा है अगर हम बात करें एंड्रॉइड से, कि गाइस आईफोन आपको हमेशा प्रॉमिस करता है अप टू 5 इयर्स ऑफ ओएस अपडेट्स। यहां पर मैं ओएस अपडेट्स की बात कर रहा हूं, एंड उसके बाद तो आपको सिक्योरिटी अपडेट्स तो मिलते ही रहते हैं। बट अगर हम एंड्रॉइड की बात करें ऑन अ जेनेरिक बेसिस, तो एंड्रॉइड आपको मैक्सिमम अप टू सिर्फ 3 इयर्स ऑफ अपडेट ही प्रोवाइड करता है। एंड्रॉइड के अंदर सिर्फ सैमसंग ही एक ऐसी कंपनी है जो आपको अराउंड 4-5 इयर्स के ओएस अपडेट्स प्रॉमिस करती है। लेकिन अगर हम जनरली नोट करें तो एंड्रॉइड में आपको ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को नहीं मिलते। यहां पर तो कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड भी नहीं करती। आपने जब कोई फोन लिया उसके अंदर जो ओएस चल रहा होगा वही चलता रहेगा जब तक आप उस स्मार्टफोन को अबैंडन नहीं कर देते। तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में तो आईफोन ही विनर है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई 2-3 साल पुराना भी आईफोन यूज कर रहे हैं एंड अगर आपको उसके अंदर अभी भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं तो आपको स्टिल एक न्यू फील प्रोवाइड करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अ स्मार्टफोन जो कि होता है बैटरी लाइफ। तो गाइस आईफोन की बैटरी लाइफ को काफी अच्छा कर दिया गया अगर हम देखें आईफोन 13 से आईफोन 14, तो ये जो दोनों सीरीज लास्ट आई है इनकी बैटरी लाइफ में हमें काफी अच्छा चेंज देखने को मिला है, क्योंकि उससे पहले आईफोन की बैटरी लाइफ बहुत पथेटिक। आईफोन की बैटरी लाइफ बहुत जल्दी डाउन चल जाया करती थी और उसकी बैटरी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा कम थी एंड लोग काफी ज्यादा परेशान थे आईफोन की बैटरी लाइफ से। बट एंड्रॉइड की अभी भी काफी स्मार्टफोन्स में अच्छी बैटरी लाइफ है, ऑलमोस्ट आपको अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है अच्छे स्मार्टफोन्स में एंड्रॉइड के। प्लस एंड्रॉइड में आपको एक और चीजें मिल जाती है, जैसे आपको चार्जिंग के अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है अप टू 120 वॉट, बट आईफोन में सिर्फ वो अभी तक सिर्फ 25 वॉट तक या फिर ज्यादा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। एंड्रॉइड में आपको रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है कि आप अपने आईफोन के बैक पर किसी और डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये चीज है जो आपको एंड्रॉइड में अच्छी चीज मिल जाती है कि आपको चार्जिंग के अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट अगर आप मेरे से पूछोगे कि बैटरी लाइफ में अगर चूज करना हो कि कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है, देन आई वुड चूज एन आईफोन, क्योंकि आईफोन की बैटरी ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी है एंड आईफोन जब 20% से डाउन जाता है, जब अपने लो पावर मोड में जाता है, तब तो आईफोन की बैटरी ऑप्टिमाइजेशन सबसे अच्छी हो जाती है एंड वो 20% के जब अंडर जाता है वो काफी लंबे टाइम तक चल सकता है। तो मेरे लिए बैटरी लाइफ के लिए है आईफोन। Now talking about the price, तो guys iPhone का price तो हमेशा high ही मिलता है हमको, लेकिन अगर आप Androids में जाएंगे तो Android में आपको काफी सारी variety मिल जाती है, like आपको 10,000 के अंदर भी smartphone मिल जाएगा, 20,000 के अंदर, 50,000 के अंदर, 1,00,000 के अंदर, आपको सारे price range में एक Android smartphone देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसी चीज में iPhone की तरफ जाएंगे तो iPhone में जो आपको lowest smartphone है, like अगर हम iPhone SE की भी बात करें तो वो भी आपको 40,000-50,000 के अराउंड मिलता है, जो कि काफी expensive है still। लेकिन अगर आप यही एक Android smartphone में जाएंगे तो जो फीचर्स आपको आईफोन एसई उस 40,000 में प्रोवाइड कर रहा है, वही फीचर्स आपको एंड्रॉइड में एक 20-30,000 के स्मार्टफोन के अंदर मिल जाते हैं। तो प्राइस की इस वेरिएबिलिटी में एंड्रॉइड काफी अच्छा है कि आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं अपने प्राइस के हिसाब से। तो गाइस आईफोन में आपको इतनी वैरायटी और चॉइस देखने को नहीं मिलती जितनी आपको एंड्रॉइड के अंदर देखने को मिल जाती है, क्योंकि एंड्रॉइड में काफी सारी कंपनीज आती हैं, सैमसंग, वनप्लस, ओप्पो, वीवो, शाओमी, पोको, रियलमी, कितनी सारी ही कंपनीज है, बट आईफोन तो हमें पता ही है सिर्फ एप्पल कंपनी ही है। तो आईफोन के पूरे साल में सिर्फ 4 न्यू मॉडल्स ही लॉन्च होते हैं एंड वही चलते रहते हैं फॉर एन iOS स्मार्टफोन। बट अगर हम एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड में कितनी सारी कंपनीज है, हर महीने कितने सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे होते हैं। एंड्रॉइड के अंदर आपको हर टाइप का स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, अगर आपको फोल्डेबल स्मार्टफोन चाहिए, आपको थोड़ा बड़ा स्मार्टफोन चाहिए, आपको कोई टैबलेट चाहिए या कोई छोटा स्मार्टफोन चाहिए, तो एंड्रॉइड के अंदर काफी वैरायटी और चॉइस मिल जाती है, बट वो चीज आईफोन में पॉसिबल नहीं थी। तो गाइस अगर हम आईफोन की बात करें तो आईफोन में आपको एक सोशल स्टेटस का फैक्टर भी देखने को मिल जाता है एंड ये सोशल स्टेटस सिर्फ एक आपको आईफोन के साथ ही मिलेगा, कि जब भी आप एक आईफोन यूज कर रहे होते हैं तो लोगों के माइंड में आपके लिए एक ऐसी इमेज क्रिएट हो जाती है कि हाँ ये काफी अच्छा पर्सन होगा, फाइनेंशियली थोड़ा काफी अच्छा होगा, इसलिए एक आईफोन यूज कर रहा है। इस चीज के बारे में हमें वैसे ऑनेस्टली बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम सोचे तो ये एक चीज जरूर रहती है, अगर आप एक मैकबुक यूज कर रहे हैं, अगर आप एक आईफोन यूज कर रहे हैं, आप एप्पल वॉच भी यूज कर रहे हैं, तो लोगों के माइंड में वैसी एक इमेज क्रिएट हो जाती है। एंड गाइज नाउ टॉकिंग अबाउट ब्लोटवेयर, तो गाइज ब्लोटवेयर आर बेसिकली जो एड्स आती हैं या मल्टीपल किसी भी चीज की रिलेटेड एड्स, फालतू चीजें जो आपके स्मार्टफोन में होती हैं उसको हम ब्लोटवेयर कहते हैं।
तो आईफोन में प्री इंस्टॉल या फिर बिल्ट इन हमें कोई भी ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलता, बट एंड्रॉइड फोन्स में हमें कहीं ना कहीं, चाहे वो सैमसंग हो, वन प्लस हो, कोई भी स्मार्टफोन हो, हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ ब्लॉटवेयर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी इरिटेटिंग होता है, स्मार्टफोन को स्लो बनाता है, आपकी नोटिफिकेशन में आपको एड्स आती रहती है। तो ये सब चीजें तो आपको आईफोन में देखने को नहीं मिलती, बट एंड्रॉइड में आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाती है। एंड गाइस, आईफोन में आपको अभी भी देखने को मिलती है एक लाइटनिंग केबल, एंड आपको सारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में मिलती है एक टाइप सी पोर्ट। तो गाइस, टाइप सी पोर्ट काफी यूनिवर्सल हो चुका है, ऑलमोस्ट अब सारे डिवाइसेस में आपको टाइप सी पोर्ट ही मिलता है। तो अगर आपको किसी और एक्सेसरी को कनेक्ट करना हो थ्रू एन एंड्रॉइड, अगर आपको अपने स्मार्टफोन को विंडोज लैपटॉप से या फिर अगर मैक से भी कनेक्ट करना हो, तो आप उसको टाइप सी की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आईफोन में काफी प्रॉब्लम आती है कि उसके अंदर आपको अभी भी लाइटनिंग पोर्ट ही देखने को मिलता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली या फिर 100% अब श्योर है कि आपको अब जो नया आने वाला आईफोन है, आईफोन 15 सीरीज, उसमें आपको अब टाइप सी पोर्ट ही देखने को मिलेगा। तो आई गेस अब ये प्रॉब्लम भी आईफोन से इरेडिकेट हो जाएगी। एंड गाइस, एक और ऑप्शन जो हमें सिर्फ एंड्रॉइड में देखने को मिलता है, वो है साइड लोडिंग एप्स फ्रॉम ब्राउजर। तो आप ब्राउजर से या फिर किसी और एप्लीकेशन स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऑन योर एंड्रॉइड फोन। आप कोई एपीके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, देन आप कोई ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी की वजह से एंड्रॉइड पे क्रैक्ड एप्स को इंस्टॉल करना भी काफी आसान हो जाता है। बट यही अगर हम बात करें आईफोन की, तो आईफोन में एप्स आप सिर्फ इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रॉम दी ऐप स्टोर। आप किसी भी ब्राउजर से, या फिर अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई एपीके फाइल टाइप मिल जाएगी आईफोन के लिए, तो वो अवेलेबल नहीं होती। आप ब्राउजर से कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते ऑन योर आईफोन। तो ये एक चीज है जो एंड्रॉइड में काफी अच्छी है। The next is ecosystem. तो गाइस, एप्पल का ecosystem is much better than any Android company का ecosystem. सारे जितनी भी Android companies है, वो try कर रहे हैं अपना ecosystem develop करने को, but Apple ने अपना ecosystem बहुत ही पहले से ही develop करना शुरू कर दिया था, and अब Apple के ecosystem को कोई भी compete नहीं कर सकता। And अगर आप एक iPhone use कर रहे हैं, then आप एक तरह से अंदर से ही आप force होते हैं कि आप अगला जो product है, for example अगर आपको laptop खरीदना, तो आप MacBook खरीदें, अगर आपको एक watch खरीदनी है, तो आप एक Apple watch ही खरीदें, जो कि हाँ थोड़ा expensive पड़ जाता है, लेकिन अगर आप इनको इकट्ठे यूज करना शुरू करेंगे, देन एप्पल का इकोसिस्टम विल मेक योर वर्क सो मच इजियर। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कॉल रिसीव हो रही है, तो आपको अपने लैपटॉप पे भी रिसीव होगी, वो आपको आपकी एप्पल वॉच भी रिसीव होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपने एयरपॉड्स को मैकबुक पर यूज कर रहे हैं, आप कोई वीडियो देख रहे हैं, एंड आपको कोई कॉल रिसीव हो जाता है आपके स्मार्टफोन पर, एंड अगर आप अपने एयरपॉड्स को रिमूव करेंगे, तो वो वीडियो वहां पर खुद ही ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगी। आप एयरड्रॉप यूज कर सकते हैं एप्पल के डिवाइसेस के अंदर। तो ये एक अच्छा इकोसिस्टम काफी क्रिएट हो जाता है। अगर आपको इसके थोड़े से इक्विवेलेंट एक इकोसिस्टम चाहिए एंड्रॉइड में, देन सैमसंग का इकोसिस्टम काफी अच्छा है। तो एक और चीज जो हमसे रिलेटेड नहीं है, बट वो रिलेटेड है ऐप डेवलपर से। तो ऐप डेवलपर ये कहते हैं कि आईफोन के लिए ऐप बनाना हमेशा ज्यादा आसान रहा है रादर देन एंड्रॉइड। कि आईफोन में हमेशा कम मॉडल्स रहे हैं, कम वैरायटी रही है, तो उसके लिए ऐप बनाना काफी आसान होता है। बट यही अगर उनको एक ऐप बनानी होती है एंड्रॉइड के लिए, तो एंड्रॉइड में काफी ज्यादा वैरायटी है, काफी सारे मॉडल्स है, काफी सारी कंपनीज है, तो उन सारे स्मार्टफोन्स के लिए एक ऐप बनाना जो उस पर्टिकुलर मॉडल पे सही चले, वो काफी डिफिकल्ट काम है, काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ऐप डेवलपर्स के लिए दे वुड चूज एन आईफोन। तभी आप देखते होंगे कि आईफोन में जो एप्स होती है काफी अच्छी दिखती है, काफी स्मूथ चलती है रादर देन एंड्रॉइड। अब हम बात करते हैं ईज ऑफ यूज की, कि कौन सा स्मार्टफोन यूज करना आसान रहता है। तो गाइस, एक चीज होती है कि जितने हम ज्यादा फीचर्स ऐड करते रहते हैं स्मार्टफोन में, उतना ही स्मार्टफोन कॉम्प्लिकेट होता रहता है। एंड अगर आपका स्मार्टफोन कॉम्प्लिकेट होता रहेगा, तो उसको यूज करना उतना ही मुश्किल होता है। तो गाइस, एक स्मार्टफोन के बीच में एक बैलेंस बने रहना चाहिए फीचर्स को लेके, कि ज्यादा फीचर्स भी ना हो कि वो बहुत एकदम ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाए, आप उसको यूज ही ना कर पाए, आपको पता ही ना लग पाए कि कौन सी सेटिंग कहां पर है, किस चीज को कैसे यूज करना है। तो एक परफेक्ट बैलेंस रहना चाहिए, एंड आई थिंक ये परफेक्ट बैलेंस आईफोन ने काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा है। क्योंकि अगर आप आईफोन की बेसिकली होम स्क्रीन को देखेंगे, तो वो ऑलमोस्ट काफी सिमिलर रही है अगर हम बात करें बहुत ही पहले से। लेकिन अगर हम यही चीज एंड्रॉइड में देखें, तो एंड्रॉइड में हमें ऑलमोस्ट हर अपडेट में या फिर किसी ना किसी अपडेट में कितने सारे ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। एंड एंड्रॉइड में काफी ज्यादा फीचर्स ऐड कर रखे, जैसे हम बात कर रहे थे कस्टमाइजेशन की, तो कस्टमाइजेशन का मतलब फीचर्स भी हम कह सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स ऐड हो रखे हैं, एंड एंड्रॉइड काफी लोगों के लिए यूज करना मुश्किल हो जाता है। बट आईफोन में इतना चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करा गया, जो पहले बेसिक फीचर्स है वो तो आपको आईफोन में देखने को मिल ही जाते हैं। एंड अगर हम आईफोन में कैमरा ऐप की भी बात करें, तो वो ऑलमोस्ट सेम है जैसी वो लॉन्च हुई थी व्हेन द फर्स्ट आईफोन वाज लॉन्च, या थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक ऐप का, जैसे वो दिखती है, वो अभी तक सेम ही रहा है। तो दैट इज वाई जो आईफोन है वो काफी इजी टू यूज है, क्योंकि उसमें बैलेंस काफी अच्छा मेंटेन करके रखा गया है। तो आईफोन एक काफी बैलेंस स्मार्टफोन है, एंड यूज करने में काफी आसान रहता है। तो गाइस, एक और पॉइंट जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, वो है रीसेल वैल्यू ऑफ अ स्मार्टफोन। तो आईफोन की रीसेल वैल्यू हमेशा बहुत ही हाई रहती है,
क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है, आईफोन की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है एंड लोग इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं, लोग आईफोन को ट्राई करना चाहते हैं। बट यहीं पर अगर आप एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन लोगे तो उसकी रीसेल वैल्यू बहुत डाउन चली जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपको बिल्कुल सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को नहीं मिलते, सिर्फ 2 से 3 साल तक आपको अपडेट्स मिलेंगे मैक्सिमम एंड्रॉइड के अंदर। बट आईफोन आपको 4 to 5 ईयर्स के अपडेट्स प्रॉमिस करता है, तो अगर आप इस टाइम एक आईफोन 12 भी लोगे तो उसके अंदर आपको अब भी 2 साल के और अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इसकी रीसेल वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो गाइस अब अगर हम बात करें कंक्लूजन की कि आईफोन और एंड्रॉइड में से कौन सा स्मार्टफोन है आपके लिए बेस्ट, कौन सा इन दोनों में से स्मार्टफोन है असली विनर, तो गाइस अगर देखा जाए तो ये चीज वैसे बेसिकली आप पर डिपेंड करती है। अगर आपको एक अच्छा सिक्योर स्मार्टफोन चाहिए, आपको एक स्मार्टफोन चाहिए जो वीडियोस बनाने में अच्छा हो, आपको एक बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए, देन आपको आईफोन के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको अपने स्मार्टफोन के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, अगर आपको न्यू फीचर्स पसंद है, अगर आप अपने स्मार्टफोन्स में बहुत सारी कस्टमाइजेशंस चाहते हैं, देन आपको एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए। एंड अगर आपका थोड़ा बजट लो है या फिर अगर आप कम बजट का कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, देन वो तो आपको सिर्फ एंड्रॉइड में ही मिलेगा, देन आपको एंड्रॉइड के लिए जाना चाहिए। सो गाइस दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें उन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो कंफ्यूज है कि इनको कौन सा आईफोन बाय करना चाहिए, एंड्रॉइड या फिर आईफोन। एंड यस गाइस सितंबर में हमें सेल भी देखने को मिलेगी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज की, तो आई गेस इस वीडियो ने आपके सारे वो डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे कि आपको एक एंड्रॉइड खरीदना चाहिए या फिर आपको एक आईफोन को बाय करना चाहिए। So guys, if you want to watch more videos like this, then subscribe to my channel.